जैसा कि देख सकते हो, ये जो कार है हुंडई की i10 है। तो आजकल हुंडई की जो भी गाड़ी है, स्मार्ट की वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो स्मार्ट की है, इस गाड़ी में क्या हो रहा है, इसका सेंटर लॉक वगैरह काम कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो सेंटर लॉक जो है काम कर रहा है, मीटर के अंदर लाइट फ्लैश हो रही है, यानी सेंटर लॉक काम कर रहा है। बट ये बटन हम लोग जब आ रहे हैं ना, तो इसका स्टेयरिंग लॉक भी नहीं खुल रहा है। ये जो स्टेयरिंग लॉक है ये भी लॉक है, खुल नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ये बटन ऑन नहीं होगा, इग्निशन स्टेयरिंग लॉक नहीं खुलेगा, तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसका बटन का इशू रहता है। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, अगर वो पी वगैरह में काम नहीं करता, तो भी इसका प्रॉब्लम आता है। ठीक है, स्टीयरिंग लॉक वगैरह का। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसका ये जो बटन काम नहीं कर रहा है ज़्यादातर, ये बहुत बार ऐसा होता है बटन भी ख़राब होता है, या इसका जो यहाँ पे BCM लगा रहता है, कीलेस का डब्बा, वो भी ख़राब होता है। तो अभी अपने पास दूसरा बटन ही है, एक बार लगा के डायरेक्ट कन्फर्म करते हैं बटन का इशू है या नहीं। तो इसका BCM वगैरह का भी इशू आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा बटन है, हम लोग लगा के देख लेते हैं, या तो इसको स्कैनिंग करके देखना पड़ेगा कि क्या एरर कोड वगैरह आ रहा है। तो अपने पास दूसरी बटन पड़ी हुई है, सेम नहीं है इसका, बट लगा के कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही है, सॉकेट निकालते हैं, उसको लगा के चेक करते हैं। निकालो पाड़ी थोड़ा, लगाओ, ऑन करो बटन। ठीक है, जैसा देख, तो बटन ऑन किया, स्टेयरिंग खुल गया, देख सकते हो स्टेयरिंग खुल गया और मीटर के अंदर लाइट भी आ गई। बटन बंद करते हैं तो देखो पूरी लाइट ऑन हो गई, इग्निशन। एक लॉक में इसका जो है स्टेयरिंग खुल जा रहा है, और दूसरे में वो हो जा रहा है, मतलब इग्निशन ऑन हो रहा है। देखो अभी बंद कर दे रहे, बंद हो जा रहा है, स्टेयरिंग लॉक हो जाएगी अभी, और उसके बाद ऑन करेंगे, स्टेयरिंग लॉक ओपन, इग्निशन ऑन, गाड़ी जो है स्टार्ट। तो ये वीडियो में यही बता रहा था कि बहुत बार ऐसा रहता है, हम लोग समझ में नहीं आता मतलब क्या इशू है। तो इस बटन का भी प्रॉब्लम आता है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता तो आपको ये जो बटन है ये भी चेक करना चाहिए भाई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फोन आ गया ना।